गुड आफ्टरनून बच्चों, पिछली कक्षा में आपने कर्मकारक द्वितीय विभक्ति पढ़े थे। आज हम आपको द्वितीय विभक्ति उपपद के रूप में तथा करण कारक द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति उपपद के विभक्ति के रूप में पढ़ाएंगे एवं उनके उदाहरण समझाएंगे। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति उपपद के रूप में इसके अंतर्गत अकथितम अकथितम च अकथितम च सूत्र है, जिसमें 16 ऐसी धातुएं हैं जो दो कर्म रखती हैं, जैसे दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध घेरना या रोकना, प्रक्ष पूछना, ची इकट्ठा करना या बटोरना, ब्रू बोलना या कहना, शाश उपदेश देना, मथ मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, हरी हरण करना या चुराना, कृष खोद कर निकालना, वह ढोना। ये 16 धातुएं हैं और इसके अर्थ वाली अन्य धातुएं द्विकर्मक या दो अर्थ वाली होती हैं। इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे गाय से दूध दुहता है, ये हिंदी है, हिंदी अनुवाद है, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा गाम दोग्धि पाया। अब यहां पर गाय से दूध दुहता है, गाय से दूध दुहता है, दुहना क्रिया है और इसमें दो कर्म आए हैं। इस वाक्य में दो कर्म है, एक तो गाय, दूसरा दूध। मुख्य कर्म दूध है और गौण कर्म गाय है। अर्थात जो मुख्य कर्म होता है उसमें भी द्वितीय लगेगी और जो अप्रधान है अर्थात गौण है, गौण कर्म है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पर दुह धातु की क्रिया है। गाम गाम अर्थात गाय, गाय से हिंदी अर्थ में से जरूर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर गाय में द्वितीय विभक्ति लगेगी अर्थात गाम हो जाएगा। पाया या दुग्धम, दुग्धम शब्द में भी द्वितीय विभक्ति लगी है, पाया भी द्वितीय विभक्ति का है। तो गाय और दूध ये दो कर्म आए हैं और दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। याच याच माने मांगना, जहां कोई वस्तु किसी से मांगी जाती है, मांगने की क्रिया अर्थात याच धातु का प्रयोग होता है। वहां पर जिससे जो वस्तु मांगी जाती है, जिससे मांगी जाती है उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है और जो वस्तु मांगी जाती है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
अर्थात प्रधान कर्म में भी द्वितीया होगी और अप्रधान कर्म जो गौड़ कर्म है उसमें भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सीता अपनी माता से लड्डू मांगती है, सीता करता है, किससे मांगती है? अपनी माता से। अपनी माता से क्या मांगती है? लड्डू। मांगना क्रिया है अर्थात याच धातु का प्रयोग किया गया है और इसलिए यहाँ पर दो कर्म आए हैं, अर्थात माता अप्रधान कर्म है और लड्डू मुख्य कर्म है। तो माता में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी और लड्डू में लगे, लड्डू मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति लगेगी ही लगेगी और जो अप्रधान है या गौड़ कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आप लोगों को ये संशय हो सकता है कि हिंदी अनुवाद में यहाँ पर अपनी माता से, सीता अपनी माता से अर्थ आ रहा है हिंदी में, तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि मांगना क्रिया का प्रयोग किया गया है, याच धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए सीता स्वमातरम मोदकम याचते। सीता अपनी माता से स्वमातरम मोदकम याचते, मोदक मांगती है, लड्डू मांगती है। तीसरा उदाहरण पचति, पच धातु, पचति क्रिया है, पकाना क्रिया है, वह चावलों से भात पकाता है, पकाना क्रिया का प्रयोग किया गया है अतः पच धातु का प्रयोग हुआ है। वह चावलों से भात पकाता है, किससे भात पकाता है? भात तो हो गया मुख्य कर्म और किससे पकाता है? चावल, चावलों से, अर्थात चावल अप्रधान कर्म है, गौड़ कर्म है। सह तंडुलान ओदनम पचति, सह वह तंडुलान चावलों से, ओदनम भात, पचति पकाता है, वो चावलों से भात पकाता है। तंडुलान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है और ओदनम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ओदनम कर्म जो है वो प्रधान है और चावल जो है वो अप्रधान कर्म है। अगला वाक्य है शिक्षक छात्र पर 100 पैसों का दंड देता है। दंड धातु, दंड धातु आई है, दंड देना क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस वाक्य में भी दो कर्म आए हुए हैं, अर्थात दो कर्म का प्रयोग हुआ है। गुरु छात्रम शत पड़कम दंडयति, शिक्षक छात्र पर 100 पैसों का दंड देता है। 100 पैसे जो है वो मुख्य कर्म है और किसको दंड दिया जाता है? छात्र पर, छात्र को दंड दिया जा रहा है, इसलिए छात्र भी कर्म है अर्थात ये गौड़ कर्म है। तो छात्र में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और जिसका दंड दिया जा रहा अर्थात 100 पैसों का, 100 पैसों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षकः छात्रम
शतपड़कम दंडयति। छात्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और शतपड़कम, शतपड़कम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पृक्ष धातु, पृक्ष होता है पूछना। पृक्ष धातु का जहां ये जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है वहां पर भी उस वाक्य में भी दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म होता है दूसरा अप्रधान कर्म होता है। जैसे मनुष्य नेता से प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य करता है, किससे प्रश्न किया जा रहा है, नेता से। और पृक्ष धातु का कर्म मुख्य कर्म प्रश्न है, प्रश्न मुख्य कर्म है और जिससे पूछा जा रहा है अतः नेता, उसमें वो गौड़ कर्म है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और प्रश्न में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जनाः नेतारं प्रश्नं प्रक्षन्ति। जनाः लोग, बहुवचन आया, नेतारम नेता से हिंदी अर्थ में से आ रहा है लेकिन ये गौड़ कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और प्रश्नम प्रक्षन्ति, प्रश्नम मुख्य कर्म है इसलिए मुख्य कर्म में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी और गौड़ कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जना नेतारम प्रश्नम प्रक्षन्ति। ब्रु, ब्रु माने बोलना या कहना। आचार्य शिष्य को धर्म का उपदेश देता है या कहता है या बोलता है, ब्रु धातु का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहां इस वाक्य में भी दो कर्म आए हुए हैं, आचार्य शिष्य को ये गौड़ कर्म है, किसका उपदेश देता है, धर्म का। धर्म मुख्य कर्म है, धर्म मुख्य कर्म है और शिष्य गौड़ कर्म है, अर्थात मुख्य कर्म धर्म में और गौड़ कर्म शिष्य में, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते। शिष्यम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और धर्मम, धर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह धातु, वह मने होता है ढोना या वहन करना। वह धातु आई है, वह धातु जो है वो भी दो कर्म रखती है। जैसे श्रमिक कंधे से भार ढोता है, ढोना क्रिया है, किससे ढोता है, कंधे से, कंधे से क्या ढोता, भार। भार जो है वो मुख्य कर्म है और कंधे से जो है वो गौड़ कर्म है, अर्थात मुख्य कर्म और गौड़ कर्म दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। श्रमिकः इस कंधम भारम वहति। भारम मुख्य कर्म है इसलिए भारम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इस कंधम अप्रधान कर्म है
या गौण कर्म है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये द्वितीय विभक्ति के कुछ उदाहरण, उपपद द्वितीय विभक्ति के कुछ उदाहरण मैंने आपको बतलाए बच्चों। अब इसके आगे बतलाते हैं कि द्वितीय विभक्ति और किस किस में लगती है, या द्वितीय विभक्ति का किस किस में प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि। गत्यर्थ कर्मणि अर्थात गमनार्थक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कहने का तात्पर्य है गत्यर्थ, गत्यर्थ कर्मणि, गत्यर्थ माने जहां जाया जाता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक घर जाता है, बालक घर जाता है, कहाँ जाता है, घर जाता है, उत्तर मिला घर जाता है, तो जहां जाया जाता है अर्थात घर, घर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालका गृहम गच्छति, बालक घर जाता है। शेर वन में घूमता है, शेर कहाँ घूमता है, वन में, वन में घूमता है। हिंदी अर्थ में देखिए वन में आया, आप कहेंगे यहां तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि अधिकरण में पर आता है, लेकिन नहीं, सूत्र हमारा कह रहा है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया, गति के अर्थ वाले धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां जाया जाता है, ये जहां घूमा जाता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। शेर वन में घूमता है, तो यहाँ पर वन में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सिंघा वनम अटति, शेर वन में घूमता है, वनम, वनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है काला ध्वनोरत्यंत संयोगे च। काला धनुर, धनुर अत्यंत संयोगे च, जब कोई कार्य निरंतर चलता है, समयवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। काल, काल माने समय, अध्व, अध्व माने होता है मार्ग, के संयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब कोई कार्य निरंतर चलता है, समयवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, या मार्ग वाले अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसने 12 साल तक व्याकरण, उसने 12 साल तक अर्थात लगातार पढ़ने का कार्य, व्याकरण पढ़ने का कार्य किया, 12 साल निरंतर, निरंतरता बनी हुई है, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सह द्वादश वर्षाणि व्याकरणम अपठत, द्वादश वर्षाणि, वर्षाणि, वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया। सह द्वादश वर्षाणि व्याकरणम अपठत, वो 12 साल तक व्याकरण पढ़ा, उसने 12 साल तक व्याकरण पढ़ा। सह
द्वादश वर्षाण व्याकरणम अपठत। अगला उदाहरण देखिए, तुम दिन भर सोते हो। दिन भर, भर शब्द आया अर्थात पूरा दिन, पूरा दिन सोते हो। यहां पर भी निरंतरता का बोध हो रहा है, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तुम दिनम स्वपिसि, तुम दिनम स्वपिसि, स्वपिसि। दिनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अध्व अर्थात मार्ग के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो तो वहां भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक कोस भर में पहाड़ है, कोस भर में, एक कोस भर में पहाड़ है अर्थात लगातार पहाड़ों की पंक्ति है, कोई बीच में किसी तरह की रुकावट नहीं है। एकम क्रोशम पर्वतः अस्ति, एक कोश तक, क्रोशम, क्रोशम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एकम क्रोशम पर्वतः अस्ति, एक कोश तक पर्वत है अर्थात पहाड़ है। एक कोश तक नदी टेढ़ी है, कहां तक नदी टेढ़ी है, एक कोश तक निरंतरता बनी हुई है। यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। एकम क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम एक कोश तक, कुटिला टेढ़ी नदी अस्ति, एक कोश तक नदी टेढ़ी है। अगला सूत्र, अधि शिंग स्थासाम कर्म, शी सोना, स्था ठहरना, आस बैठना, धातु के पूर्व या पहले अधि उपसर्ग लगे तो अधिकरण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है, कहाँ बैठता है, सिंहासन पर, उत्तर मिला सिंहासन पर। यहाँ पर शब्द अधिकरण कारक का चिन्ह पर आया है। आप कहेंगे यहाँ पर तो सप्तमी विभक्ति लगेगी, लेकिन नहीं, सप्तमी तब लगेगी जब आदि उपसर्ग का प्रयोग ना हो। शी स्था आस धातुओं के पहले यदि आदि उपसर्ग लगता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राजा सिंहासन पर बैठता है, नृपः सिंहासनम अधितिष्ठति, सिंहासनम अधितिष्ठति, स्था धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा है इसलिए सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लड़की पलंग पर सोती है, इस पर सोती है पलंग पर, यहां पर भी सोना धातु अर्थात शी धातु का प्रयोग किया गया है। अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु का प्रयोग होगा
तो द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। बालिका पर्यंकम अधिशीते, यदि हम अधि उपसर्ग हटा देते हैं तो पलंग पर, पलंग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालिका पर्यंके शेते, शेते हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए पर्यंकम आया। बालिका पर्यंकम अधि शेते। तीसरा आस धातु, आस धातु का उदाहरण देखिए बच्चों। वह लड़का आधे आसन पर बैठता है, वह लड़का आधे आसन पर बैठता है, आधे आसन पर। सह बालक अर्धासनम अध्यासते, यहां पर भी अति उपसर्ग पूर्वक आस धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए अर्धासनम में द्वितीय विभक्ति लगी है। सह बालका अर्धासनम अध्यासते। अगला सूत्र है उपान्वध्यांगवसः। यदि वस धातु के पहले उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग आए तो इसके आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपान्वध्यांगवसः, यदि वस धातु के पहले उप, अनु, अधि, आंग आए तो उसके आधार पर द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे भगवान स्वर्ग में रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। हिंदी अर्थ में सीधा सीधा अर्थ लेते हैं तो आप कहेंगे स्वर्ग में, अधिकरण कारक है तो इसमें अधिकरण लगेगा, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। लेकिन यदि आप उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग लगाते हैं वस से पहले तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हरि वैकुंठम उपवसति, यदि हम उप हटा देते हैं तो हो जाएगा हरि वैकुंठे वसति। लेकिन यदि हम उप उपसर्ग लगाते हैं तो वैकुंठम होगा, वैकुंठम उपवसति। मोहना, मोहन घर पर रहता है, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, सभी का एक ही अर्थ होता है, रहता है। तो मोहना गृहम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति या आवसति वा। अगला सूत्र है अभिनिविशस्य। अभि नि उपसर्ग विश धातु से पहले यदि अभि और नि उपसर्ग आए तो उसके आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, कृष्ण अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, कृष्ण सन्मार्गम अभिनिवशते। यहां अभि उपसर्ग पूरक विष धातु का प्रयोग हुआ है। उभयतः दोनों तरफ, सर्वतः सब तरफ, धिक धिक्कार, उपरि उपरि, अधो अधा शब्दों की जिससे सन्निकटता अर्थात
निकटता प्रतीत होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण के दोनों ओर या चारों तरफ ग्वाले हैं, कृष्णम उभयता सर्वतो वा गोपा संति, कृष्णम उभयता सर्वता वा गोपा संति, कृष्ण के दोनों ओर या चारों ओर ग्वाले हैं। यहाँ पर कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य है जहाँ उभयता सर्वतः परितः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दिक् धिक्कार है, दिक् शब्द जहां आता है अर्थात धिक्कार अर्थ में दिक् का प्रयोग किया जाता है वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मूर्ख को धिक्कार है, दिक् मूर्खम, दिक् दिक् मूर्खम। हर संसार के ठीक ऊपर है, ऊपर के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपर से ऊपरी, ऊपर से ऊपरी, लोकम हरि, हर संसार के ठीक ऊपर है, इसलिए ऊपरी ऊपरी के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हरि में द्वितीय विभक्ति, लोकम में, सॉरी बच्चों, लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हर संसार के ठीक ऊपर है, ऊपर ही ऊपरी लोकम हरि। अभिता परिता समया निक्षा वा हा प्रति योगे अपि, अभिता परिता समया, समया मने निकट होता है, निक्षा मने भी निकट होता है, हा तथा प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगा करती है। गांव के चारों ओर आम के वृक्ष हैं, ग्रामम अभिता परिता वा आम्र वृक्षा संति। यहाँ पर ग्रामम, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्यालय के पास नदी है, किसके पास नदी है? विद्यालय के पास, जिसके पास में होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसके पास नदी है? विद्यालय के पास। तो विद्यालयम निक्षा समया वा नदी अस्ति, निक्षा मन, निक्षा का अर्थ भी निकट होता है और समया का भी अर्थ निकट होता है। विद्यालयम निक्षा समया वा नदी अस्ति। बहलिये ने हरिण की तरफ देखा, यहाँ पर प्रति या तरफ के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बहलिये ने हरिण की तरफ देखा अर्थात हरिण की ओर देखा, व्याघ्रः हरिणं प्रति अपश्यत्, व्याघ्रः, ओ सॉरी बच्चों, व्याधा हरिणाम प्रति, व्याध मने होता बहलिया, बहलिये ने हरिणाम हरि के प्रति अर्थात सिंह के प्रति अपश्यत, हिरण की ओर देखा। हरिणाम, हरिणाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा मने बीच में या अंतरेण मने बिना, इनके योग में भी रिते, रिते, रिते मने भी बिना होता है। अंतरा अंतरेण तथा रिते
के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरि तुम्हारे मेरे बीच में हैं, हरि हरि तुम्हारे और मेरे बीच में हैं, तो होगा अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा त्वाम माम हरि। यहाँ पर त्वाम में और माम में दोनों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अंतरा के योग में। अर्थात अंतरा शब्द का प्रयोग होने पर आने पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अंतरा त्वाम माम हरि, हम तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं। अंतरेण, अंतरेण या बिना या रिते, तीनों का अर्थ होता है बिना। तुम्हारे बिना वहां कौन जाएगा, तुम्हारे बिना। त्वाम अंतरेण, त्वाम बिना, त्वाम रिते वा कह तत्र गमिष्यति, वहां कौन जाएगा। यहाँ अंतरेण मने बिना, बिना मने बिना, रिते मने भी बिना होता है। ये तो बच्चों हो गया आपकी द्वितीया विभक्ति समाप्त हो गई। करण कारक तृतीया विभक्ति, जिसका पहला सूत्र है साधक तमम करणम, जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कहते हैं। जैसे राम नेत्रों से देखता है, राम किससे देखता है, नेत्रों से। देखने का कार्य किससे हो रहा है, अर्थात नेत्रों से। तो नेत्र शब्द जो है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। रामः नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्तृकर्ण्योस्तृतीया, कर्तृ मने होता है कर्ता। करण करण कारक में, कर्ता और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति लगा करती है। जैसे कर्मवाच्य में राम द्वारा रावण मारा गया, राम द्वारा रावण मारा गया, किसके द्वारा, राम के द्वारा। यहाँ के कर्मवाच्य का ये वाक्य है, यहाँ पर कर्ता प्रधान है, किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा। इसलिए राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। रामेण रावणो हतः, राम द्वारा रावण मारा गया, रावण में प्रथमा विभक्ति लगी है और राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
इसी तरह से अगला सूत्र है हेतु। हेतु हेतु के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे धन से आदर होता है, किससे आदर होता है, धन से, तो धनेन सम्मानन सम्मानम भवति। धन क्या है यहाँ पर, हेतु है, हेतु के अर्थ में आया धन, इसलिए धन में तृतीया विभक्ति लगी है, धनेन सम्मानम भवति। प्रकृत्यादि भी तृतीया उपसंख्यानम, प्रकृति जाति नाम वेग सुख दुख इत्यादि अर्थों में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह प्रकृति से दयालु है, सह प्रकृत्या दयालु, यहाँ पे प्रकृति आया इसलिए प्रकृति में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रकृत्या दयालु, वो स्वभाव से दयालु है। वह जाति से ब्राह्मण है, सह जात्या ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण, जात्या जाति में तृतीया विभक्ति लग गई, जात्या बन गया। वह आकृति से सुंदर है, आकृत्या मनोहरा, आकृत्या में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। नाम से वो रमेश है, नामना रमेश, नामना में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। वह सुख से सोता है, सुखेन सोपति सोपिति, सहा सुखेन सोपिति, वह सुख से सोता है, तो सुखेन में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सुखेन में भी तृतीया विभक्ति लगती है। तुल्यार्थ ही तुलोपमाभ्याम, तुल्य के अर्थ में था, तुलना के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्णेन समा कोपि नास्ति, कृष्ण के समान कोई दूसरा नहीं है, जहाँ उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कृष्णेन समा कोपि नास्ति, कृष्णेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये बच्चों ये तो हो गया तृतीया विभक्ति। अब इसके उपपद विभक्ति, करण कारक उपपद विभक्ति के रूप में भी एक दो सूत्र आते हैं जिनको हम आपको पढ़ा रहे हैं। सहयुक्ते अप्रधान है, साथ अर्थ रखने वाले शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति लगती है, अर्थात जो गौण कर्म होता है उसमें तृतीया लगती है। सहयुक्ते अप्रधान है, सह के योग में, अर्थात सह शब्द के आने पर जो अप्रधान कर्म होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता राम के साथ बन जाती है, सीता किसके साथ बन जाती है, रामेण राम के साथ, राम के साथ जा रही है इसलिए रामेण हो जाएगा, रामेण सह गच्छति। सह शब्द आया है, साथ का अर्थ वाली वाला शब्द सह शब्द आया है, सह आए, समम आए, साकम आए, सार्धम शब्द आए, इन सभी के योग में, सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लगा करती है। अर्थात जो अप्रधान शब्द होता है उसमें, अप्रधान कर्म जो होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। पृथक बिना नाना विस्तृतिया अन्यतरस्याम, पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीया द्वितीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया द्वितीया पंचमी
इन तीन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दशरथा रामेण रामात रामम वा बिना पृथक नाना प्राणान अत्यजत। दशरथ ने रामेण राम के बिना, रामेण में तृतीय विभक्ति लगी, रामात पंचमी, रामम द्वितीय, बिना पृथक नाना, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों बस आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं, इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।